नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। आज का वीडियो होने वाला है एक व्लॉग, तो शुरू करते हैं हम अपने पोर्च से। मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ आज। तो ये है हमारा पोर्च। ये देखिए मेरे घर के सामने का व्यू है। ये हमारी कॉलोनी है, रामेश्वर विहार नाम है इसका कॉलोनी का। और हमारा घर, नीचे गार्डन पापा है थोड़ा सा, वहाँ पर पापा को बहुत गार्डनिंग का शौक है। पापा ने थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं जिसमें कुछ फूल फल भी हैं। ये हमारा गेट। तो ये है मेरा रूम और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे और दिखाऊंगी आपको अपना घर। ये देखिए वो मेरा घर है, नीचे पुराना घर है, ऊपर हमने अभी 5 साल हुए शिफ्ट हुए हुए ऊपर। तो चलते हैं हम आपको लेकर अपने घर में। ये हमारी पहली कार है, ये फर्स्ट और अभी खरीदी है दिसंबर में। इट्स मारुति अर्टिगा वेरेक्साई हाइब्रिड मॉडल। और ये ही मेरी फेवरेट कार थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कार गिफ्ट करी है। दिस इज ऑल्सो माई गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, माई फर्स्ट एक्टिवा, शादी की पहली सालगिरह का गिफ्ट है ये हस्बैंड की तरफ से। एंड ये है हमारी बुलेट। बुलेट लवर्स ऑल हिट लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल शेफ बाय हार्ट। ये देखिए ये रॉयल एनफील्ड, इसका लुक इतना मस्त होता है, इतना खास होता है, ये सिर्फ बुलेट लवर्स ही समझ सकते हैं। चलिए अब मैं नहा धोती हो चुकी हूँ, फ्रेश चल रही हूँ आपको अपना घर दिखाने। हमारा घर डबल स्टोरी पर है तो चलते हैं। ये है हमारा गेट, लेट्स ओपन। चप्पल उतारनी पड़ेगी। ये देखिए ये है हमारा एंट्रेंस पॉइंट, यहाँ है हमारा बाथरूम एंड दिस इज द फोयर डिज़ाइन आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ। ये हमारा गैलरी एंड माई रूम। ये देखिए बेड की हालत देखिए आप, मैं अभी ठीक करके गई थी, बच्चों ने क्या हाल कर दिया है बेड। दिस इज माई रूम, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कमरे की क्या हालत है और वीडियो बना रही है, बट आई स्वेयर कि मैं ठीक करके गई थी कमरा। ये अभी पता नहीं क्या किया है बच्चों ने, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये देखिए मेरी कुछ फ़ोटोज़ मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पर। कमरे का इंटीरियर मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो और उबल चुकी है मेरी चाय एंड अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है खेत का फ्रेश और ऑर्गेनिक साग, रोटी और चाय। फिर से चलती हूँ अपने रूम में लेकर आपको। ये देखिए कुछ फूल हैं यहाँ पर, ये सब भी मैंने ये खुद ही बनाया है। यहाँ देखिए मेरे बड़े बेटे एड नीमो और छोटे बेटे एली की पिक्स लगी है कुछ। और दिस इज़ आर कोलाज वॉल, यहाँ पर हमारा कोलाज है हमारी फैमिली का। और ये कुछ मैंने बनाया था एंड ये तो मैं हूँ। चलिए कमरे से बाहर, ये है मेरा बड़ा बेटा, जब वो 6 मंथ का था तब की उसकी फ़ोटो है ये, कितना सुंदर है ना। और ये है मेरा मैरिज का फ़ोटो। चलते हैं अब हम गैलरी में। और ये है हमारा मंदिर का रूम जहाँ पर मेरा छोटा बेटा अभी तक सो रहा है क्योंकि रात भर सोता नहीं है। और ये हम आगे मंदिर में माथा टेक लेते हैं थोड़ी देर और अब चलते हैं रूम से बाहर। ये देखिए बेटे को देखिए आप, कितने मज़े से सो रहा है ना, कितना मासूम लग रहा है। अब आ गए हम रूम के बाहर, यहाँ ये हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ चल रहा है डिस्कशन अबाउट द कोरोना एंड द लॉकडाउन एंड ऑल। ये देखिए बाहर चलते हैं और पोर्च में बाहर देखते हैं तो दिख रहा है कि कितना सुंदर मौसम हो रहा है। हल्के बादल हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ बारिश पड़ रही है। बारिश मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मुझे बारिश में नहाना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है।
हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं अभी तो फिलहाल। किचन मेरा अभी ऐसे ही है फैला हुआ क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। मैं अभी दिखाती हूँ, करती हूँ थोड़ी साफ़ सफाई किचन का काम में। बस वही बर्तन इधर उधर रखने होते हैं, बर्तन साफ़ करने होते हैं, स्लैब साफ़ करना होता है। थोड़ा सा वहाँ पे अगर कुछ सब्ज़ी दाल कुछ गिर जाती है तो ऑब्वियसली गिर ही जाती है, जब आप खाना बनाते तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो बस वही मैं सब वही काम कर रही हूँ, कुछ नया तो है नहीं। आप सब लोग रोज़ अपने घर में करते हो ये काम और मैं भी कर ही रही हूँ। किचन का आधे बर्तन धुल चुके हैं, आधे बर्तन धुलने के लिए अभी सिंक में है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई इधर उधर, ये देखिए कुछ, अरे ये मनीष नानी कहाँ से आ गए हैं। और ये देखिए मैंने इनको क्या लुक दिया था, पर गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि वीडियो ऑन है। ये देखिए तारे किचन पर ही। और यहाँ पे मैंने बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करी थी तो इसलिए चल तो रूम में चले। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, लंच की तैयारी हो रही है, घर में गेस्ट आने वाले हैं अचानक से पता लगा तो फटाफट से अब कर रहे हैं लंच की तैयारी। प्याज टमाटर को चॉप कर रहे हैं चॉपर की सहायता से, बहुत ही इजीली और कंफर्टेबल हो जाता है चॉपर से सब्जियों को चॉप करना और बहुत मज़ा भी आता है इसमें। आप भी करते होंगे ऐसे ही, और अगर नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी पहले हाथ से ही करती थी पर अब चॉपर है तो इसलिए उसका यूज़ कर लेते हैं। बाकी का कटा हुआ प्याज भी गया इसके अंदर। ये देखिए प्याज टमाटर हो चुके हैं चॉप, अब चलते हैं इनको उठाकर अपने किचन में। सब्जियां हो गई हैं चॉप, मसाले कर लिए हैं तैयार। तब तक जब तक हो रहा है कढ़ाई में तेल गरम, मैं काट लेती हूँ पनीर, क्योंकि पनीर मटर पनीर भी आज लंच में है। ट्रायंगल शेप में मैं पनीर काट रही हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। पनीर इज़ रेडी और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना मसाला चिकन का। उसे पहले मैंने डाला है प्याज, बिल्कुल सिंपल चिकन बना रही हूँ। उप्स मम्मी भी आ गई, सिंपल चिकन बना रही हूँ। एक्चुअली चिकन बटर चिकन का रेसिपी आपको मेरे ही चैनल शेफ़ बाय हार्ट में देखने को मिलेगा अगली रेसिपी में, जिसके अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं वो सारे सीक्रेट मसाले और सीक्रेट टिप्स जिसके साथ आप बना सकते हैं अपना बटर चिकन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेकिन आज मैं बना रही हूँ सिंपल कढ़ाई चिकन, जो कि आप सब बनाते ही होंगे। और यहाँ देखिए हमारे खेत में हरी हरी सब्जियाँ लग रही हैं। मैंने चटनी के लिए पापा को मूली तोड़ने के लिए कहा था तो पापा ने तोड़ ली है खेत से, ऑर्गेनिक एंड फ्रेश रेडिश। एंड हियर इज़ द गार्लिक ऑल्सो, लहसुन की भी ज़रूरत है। एक्चुअली आज हमारे यहाँ कर्फ्यू है तो कुछ मिला नहीं, इसलिए खेत से लेना पड़ा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पनीर, वो भी मेरी स्टाइल में। प्याज और टमाटर को भून लिया है, इसके अंदर लहसुन और गार्लिक का पेस्ट डालकर, बेसिक मसाले डालकर अच्छे से भून लिया है मैंने। और मैंने बनाया है मटर दही और क्रीम का एक पेस्ट, जिसको मैंने मसालों में ऐड किया है। अब बनेगी इसकी ग्रेवी एकदम शाही पनीर की ग्रेवी जैसी। कुछ लोग होते हैं जिनको मटर से एलर्जी होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे मेहमानों में कुछ मेहमान हैं ऐसे जो मटर खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने किया। और यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी, गोरखा चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है सरसों ऑयल, उसमें तड़का है मेथी दाने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब डालेंगे हम इसमें अपनी कटी हुई मूली, जो कि मैं खेत से तोड़ के लाई थी, एक्चुअली तुड़वाई थी मैंने पापा से ही। अब देखिए ग्रेवी इज़ रेडी एंड एड पनीर ऑन इट एंड स्टिर। चलाओ चलाओ चलाओ, इसको अच्छे से पकाओ जब तक ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, पनीर थोड़ा सा पक जाए। और यहाँ हमारी तैयार है चटनी के सब रॉ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मूली प्याज और हरी मिर्च। चटनी में मिलाने के लिए लिया है तिल, नमक और साबुत मिर्च और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब चलते हैं अपने मिक्सर की तरफ इसको चर्न करने के लिए।
तो चलिए मिक्सर की तरफ एंड टडा, चटनी इज़ रेडी। बस इसमें नींबू डालना है सर्व करते टाइम एंड इट इज़ रेडी टू गो। राइस कुकर में रख दिया है चावल चढ़ाने के लिए। अब इसको भूल जाओ कि खुद ही पकेगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी, मेहमान भी आ चुके हैं। ये थी दाल, ये है चटनी, ये है चिकन, कढ़ाई चिकन, दिस इज़ रायता एंड दिस इज़ पापड़ ऑल्सो। राइस प्लेट में राइस सर्व कर दिया है। कुछ मिसिंग है आई थिंक, या पनीर, पनीर मिसिंग था, पनीर भी आ गया है। एक चीज़ और मिसिंग है एक्चुअली, वो मैं भूल गई। ये देखिए, दीज आर द गेस्ट आई हैव टुडे एंड काम हो चुका है मेरा डन, खाना हो चुका है डन, साफ सफाई हो चुकी है डन। अब चलते हैं बाहर। तो बाहर जैसा कि आप मेरी आंखों के साइज से पता लगा सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर। आज मैं जा रही हूँ छत में, थोड़े से कपड़े लेके आने हैं, वरना कपड़ों का भी हाल वही हो रहा होगा। ये देखिए मैंने क्या कहा था, कपड़े भी उड़ उड़ के हवा में गिर चुके हैं आधे। तो उठाते हैं हम कपड़े, पूरे कपड़े नहीं उठाए मैंने क्या बोला यहाँ पर, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। यहाँ हो चुका है हमारा काम सब खत्म, किचन साफ हो चुका है, खाना खा चुके हैं, मेहमान जा चुके हैं। अब हम करते हैं थोड़ा सा आराम और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय कर दो, बाय, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेफ बाय हार्ट।